आप देख रहे हैं CN24। नमस्कार, मैं हूं स्वराज श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं CN24। पुलिस, ये नाम सुनते ही सबसे पहले जहन में कुछ फिल्मों के सीन आते हैं। गरीबों को परेशान करती पुलिस, गुंडों से मिली हुई पुलिस। पर आज मैं आपको यूपी पुलिस के बारे में ऐसी बात बताने जा रहा हूं जिसे सुनने के बाद आपके मन से ये सारे गलत ख्याल निकल जाएंगे। दरअसल उत्तर प्रदेश का एक जिला है अमरोहा। इसी अमरोहा के एक इलाके में दीपावली के लिए दुकानें सजी थी। इस दौरान गश्त करते हुए पुलिस का एक दल वहां पहुंचा। पुलिस ने वहां मौजूद दुकानदारों से उनकी दुकानें एक किनारे से लगाने को कहा ताकि ट्रैफिक से लोगों को समस्या ना हो। इस पुलिस दस्ते को लीड कर रहे थाना इंचार्ज नीरज कुमार की नजर अचानक से वहां मौजूद दो बच्चों पर पड़ी। वो दो बच्चे भी वहां दिए बेच रहे थे। नीरज कुमार ने उन बच्चों के पास पहुंचकर उनसे बात की। बच्चों ने बड़ी मासूमियत से कहा कि वो सुबह से दिए बेच रहे हैं लेकिन कोई खरीद नहीं रहा। वो गरीब हैं इसलिए अगर उनके दिए नहीं बिके तो दिवाली कैसे मनाएंगे। ये सुनते ही नीरज कुमार ने बच्चों से दिए खरीदे। उन्हें खरीदता देख साथ मौजूद पुलिस वालों ने भी उन बच्चों के दिए खरीद लिए। लेकिन इतना काफी नहीं था। इसके बाद थाना इंचार्ज नीरज कुमार खुद ही उन बच्चों के लिए दुकानदार बन गए और उनके दिए बेचने लगे। देखते ही देखते वहां दिए खरीदने वालों की भीड़ जमा हो गई और कुछ ही देर में बच्चों के सारे दिए बिक गए। ये बात हमें यूपी पुलिस के ट्विटर हैंडल से पता चली है और ये कोई इकलौती घटना नहीं है। अगर आप यूपी पुलिस के ट्विटर हैंडल पर जाएंगे तो आपको ऐसे तमाम किस्से देखने को मिल जाएंगे। इनमें से कुछ मैंने आपके लिए चुनकर निकाले हैं। आप सोच रहे होंगे कि दीपावली के दिन की बात मैं आपको आज क्यों बता रहा हूं। वो इसलिए ताकि आपको इस बात का एहसास रहे कि जब आप धूमधाम से दीपावली मना रहे थे उस वक्त भी पुलिस के जवान अपने परिवार से दूर अपनी दीपावली छोड़कर आपके लिए काम कर रहे थे ताकि आप सुरक्षित रूप से दीपावली मना सकें। उन जवानों के लिए किसी त्योहार से पहले उनकी वर्दी और उनका कर्तव्य मायने रखता है। इसीलिए ये वीडियो मैं समर्पित करता हूं उन सभी जवानों को जिनकी वजह से आप और हम सुरक्षित रहते हैं। आज ना तो मैं आपसे अपने चैनल को सब्सक्राइब करने को कहूंगा, ना ही फेसबुक पेज को लाइक करने को कहूंगा। आज सब कुछ मैं आप पर छोड़ता हूं। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं CN24।